गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ सृष्टि मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा. आज हम लोग सब्जेक्ट कोड 105 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल पढ़ेंगे. इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. यूनिट फर्स्ट के बारे में, यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शंस, कंप्यूटर क्या होता है. नेक्स्ट है उसमें जिसमें कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम. और थर्ड टॉपिक है इसका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें है ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है कंप्यूटर में. और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लाइक जैसे कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर, वेब कैमरा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. ये सब टॉपिक हम वन बाई वन पढ़ेंगे. जिस इसके नेक्स्ट टॉपिक से मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं. हम जो भी इस तरह की जो भी चीज़ को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है. कंप्यूटर का जो लैटिन वर्ड है वो कहाँ से मिला? कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से मिला? कंप्यूट, एक जो कि एक लैटिन वर्ड है. कंप्यूटर का मतलब ही है कोई कैलकुलेशन करने वाली मशीन, जो कुछ जिसमें कुछ इनपुट दिया जाता है और उसके बेसिस पे कुछ प्रोसेस होता है. अ कंप्यूटर इंक्लूड्स अ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर में क्या क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो आपस पे कनेक्ट होते हैं और फिर वो मिलके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं. सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है. इंट्रोडक्शन नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या करता है. कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है. डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है. इनपुट क्या होता है? अब इसमें इनपुट रेफर्स टू द वाट एवर इज सेंड टू द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा जो डाला जाता है, जिस डेटा को हमें प्रोसेस करना है, लाइक जैसे किसी इमेज पे प्रोसेसिंग करता है. डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ अल्फानुमेरिकल वैल्यू हो सकती, कोई इमेज हो सकती, कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई वॉइस हो सकता है, कोई इमेज हो सकती. इस तरह से डेटा होता है और वो एज अ इनपुट कंप्यूटर में दिया जाता है. उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेसिंग करके और हमें फिर आउटपुट मिलता है. तो प्रोसेसिंग इज द वे दैट अ कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा. अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन डिवाइस द थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है. मेमोरी इज एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस एंड स्टोर आउटपुट. मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में? मेमोरी यानी कि कोई भी स्टोरेज कंपोनेंट्स, जो हम जो डेटा प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर ने जो हमारा डेटा प्रोसेस किया है उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए, तो जो जगह होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी. स्टोरेज इज द एरिया वेयर डेटा कैन बी लेफ्ट ऑन अ परमानेंट बेसिस. कंप्यूटर आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर का आउटपुट क्या होता है? जो डेटा हमने दिया, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और जो फाइनल रिजल्ट हमको मिला, वो क्या कहलाता है? आउटपुट. कंप्यूटर परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस. That makes logical decision millions, billions times faster than the human beings. Computer इस तरह की calculations कर सकता है like millions and billions times faster than the human beings. Computer programs क्या होते हैं? Set of instruction for which computer process data. Computer program एक softwares होते हैं जो कि किससे मिलके सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है. और सॉफ्टवेयर किससे मिलके बना होता है? सॉफ्टवेयर मिलके बना होता है मैनी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. स्टेप बाय स्टेप हमारा जो टास्क है वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में परफॉर्म होता है और इस तरह से हमारा टास्क कंप्लीट होता है. हार्डवेयर्स क्या होते हैं? फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन ऑन द कंप्यूटर.
कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है। कंप्यूटर लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग करना, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हाई प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत ही हाई प्रोसेसिंग स्पीड यानी कि नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हम सेकंड्स में प्रोसेस कर सकते हैं। एक्यूरेसी, ह्यूमन बींग्स अगर उसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं, कंप्यूटर जो हमारे कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेगा उसमें एक्यूरेसी होती है। रिलायबिलिटी, वर्सेलिटी एंड इंटेलिजेंसी। व्हाट अ कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म फोर ऑपरेशंस विच कंप्राइजेस ऑफ इंफॉर्मेशन साइकिल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जिसमें है इनपुट, डेटा का इनपुट लेता है, प्रोसेस उसको आउटपुट करता है और उसको स्टोर करता है। इस तरह से कंप्यूटर पे कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, उससे कंप्यूटर डेटा लेता है। ये कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर डेटा लेता है। अ कंप्यूटर एक्सेस इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा। डेटा इज प्रोसेस इन द CPU अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन अपलोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये कंप्यूटर की CPU की मेमोरी चिप, CPU चिप है, CPU चिप पे जो भी हमने डेटा कीबोर्ड से प्रोसेस किया, कीबोर्ड से इनपुट किया है वो यहाँ चिप पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होके यहाँ कंप्यूटर प्रोड्यूस आउटपुट, यहाँ स्क्रीन पे कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है और ये इस तरह से स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज पे परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का किस तरह से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर डिड नॉट सडनली अराइव ऑन द सीन, द रिसर्च ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रोसेस ऑफ हंड्रेड ऑफ ईयर्स एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस। कंप्यूटर एक अचानक से नहीं आया है, सालों से इस पर रिसर्च चल रही है और उसी रिसर्च को जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया उसी तरह से कंप्यूटर्स की जनरेशंस भी बनती गई। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर किस तरह से, कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई किस तरह से, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। द लेटेस्ट कंप्यूटर इज़ द रिजल्ट ऑफ सेवरल माइंड्स कंबाइंड टू गिव अस मैजिक ऑफ सीन। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलप इज ऑफन रेफर टू इन रेफरेंस टू द डिफरेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेज। तो ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट। जो कंप्यूटर की जनरेशन्स है वो भी इसी तरह से डिसाइड हुई है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता गया, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो एडवांस आता गया और उसी तरह से कंप्यूटर जो कंप्यूट करता था, जो डेटा प्रोसेस करता था, उनका तरीका भी चेंज होता गया और उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर्स स्टार्ट हुए थे जो किस तरह के होते थे, इनमें इस तरह से बीट्स होती थी, यहाँ पे बीट्स हैं देखिए, यहाँ ये इस तरह से जैसे टॉयज़ वगैरह होते हैं उनकी तरह बीट्स होती थी और उन्हीं बीट्स के थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। तो ये इस तरह के कंप्यूटर्स किसने बनाए थे, इनको एबेकस कंप्यूटर्स भी बोलते थे, एबेकस थे ये। तो एबेकस बिफोर द 1500 यूरोपियन साइंटिस्ट था, एबेकस इन्वेंट अराउंड 500 BC, अवेलेबल इन मैनी कल्चर, जो मेसोपोटामियन, जापानीज एंड ग्रीस वगैरह थे वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। उसके बाद आया ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पास्कलाइन कंप्यूटर का आविष्कार किया। उसके बाद गॉटफ्राइड वॉन लेबनिज जो है जर्मन मैथमेटिशियन जिन्होंने इस तरह के कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने इस तरह का कंप्यूटर जनरेट किया जिस जो कहीं ना कहीं आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनका बेस है। ये इस तरह के डिफरेंस इंजन, इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंजन, इस तरह की डिफरेंस इंजन जो है उन्होंने बनाया जो कि काफ़ी कैलकुलेशंस और जो बाकी के जो कंप्यूटर्स थे एबेकस, पास्कलाइन और गॉटफ्राइड वाले उनसे काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, जिन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया।
मशीन डिज़ाइन टू ऑटोमेट द कंप्यूटेशन टेबुलेशन ऑफ, जिसमें क्या क्या सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, इनके अलावा भी जो कंप्यूटेशन से पॉलीनोमियल फंक्शंस, इस तरह की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो भी परफॉर्म होने लगी थी, वो भी कैलकुलेट होती थी इम्प्लीमेंट। और इस टाइम पे स्टोरेज डिवाइसेस, इन्होंने इसमें कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी डाला था। बेबेज डिज़ाइन द एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, इस तरह से इन्होंने दो इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन, जो कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर का, जो मॉडर्न कंप्यूटर से उनका बेस माना जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन किस तरह से डिसाइड हुई? जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता गया, उसी तरह से और उस तरह से कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं वो चेंज होती गई। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर कैटेगराइज एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांच जनरेशन है प्रेजेंट में जो चल रही है, फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट टाइम में हमारे चल रही है। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कंप्यूटर की, में कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था उसमें, यानी कि जो हम कैलकुलेशंस वगैरह करते थे, जो उसका बेसिक सर्किट था वो किसका बना हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब किस तरह की होती थी, वैक्यूम ट्यूब इस तरह से एक ट्यूब होती थी, और इस तरह से जो कंप्यूटर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े होते थे। तो यूज़ वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे किस लिए, फॉर मेमोरी, एंड वर ऑफन इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम्स, और उनकी जो साइज़ वगैरह होती थी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, तो उससे क्या है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो लगभग जो कंप्यूटर का साइज़ है वो वन रूम ऑक्यूपाई कर लेता था, एक बड़ा होल होता था जिसमें एक सिंगल कंप्यूटर रखा जाता था। तो इस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 तक रही, और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ये वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि लास्ट नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, यूज़ कंज्यूम ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी यूज़ होती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जनरेट अ लॉट ऑफ हीट्स विच वॉज ऑफन कॉज ऑफ मेल फंक्शनिंग, रिलाइड ऑन द मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। इसमें एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, कंप्लीटली मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट था। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, पंच कार्ड्स की फॉर्म में इनपुट दिए जाते थे एंड पेपर टेप, एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन द प्रिंट आउट्स। यूनिवेक एंड इनियाक कंप्यूटर्स जो इसके एग्जांपल्स हैं, यूनिवेक एंड इनियाक जो है फर्स्ट जनरेशन में दो जो कंप्यूटर्स बने उनका नाम क्या है, यूनिवेक एंड इनियाक। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक चला, और इसमें क्या होता था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया, इसमें ट्रांजिस्टर्स ने यूज़ कर दिया। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड अनशेड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिम्बोलिक लैंग्वेज, थोड़ा ही सिम्बोलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, जो हमारी बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी उससे किस में चेंज हुआ, और एक कुछ सिंबल्स वगैरह बने, और उन सिंबल्स के बेसिस पे कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग होती थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग वर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एट द टाइम, सच एज कोपोल और फोर्ट्रान लैंग्वेजेस, जो बिजनेस लैंग्वेजेस हैं वो इस तरह से थोड़ा यूज़ में आई यहाँ पर, और यहाँ इतना चेंज हुआ। देयर वर आल्सो फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी, इसी टाइम पे फर्स्ट कंप्यूटर बना जो अपनी मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर पा रहा था। तो ये सब इवोल्यूशन कौन सी जनरेशन के टाइम हुए, सेकेंड जनरेशन के टाइम पे इस तरह के इवोल्यूशंस हुए। इस तरह से ये देखो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये एक चिप पर इस तरह से कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स थे उसको इस तरह से ट्रांजिस्टर वाली सर्किट पे लगाया गया, और इस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक कंप्यूटर बनाया। तो इस तरह से बना वो, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, तो ये भी काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 तक ये वाली जनरेशन चली। इसको हम इसमें क्या यूज़ होता था, आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, ट्रांजिस्टर्स को ही बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया और एक सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज, ट्रांजिस्टर वर मिनिएचर एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप पर उनको बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज में प्लेस किया गया। कल जो सेमीकंडक्टर चिप्स थी, विच इंक्रीजेज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर, जिससे क्या हुआ कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ी और साइज भी छोटा हो गया, स्पीड भी बढ़ गई। इंस्टीड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंटआउट्स यूज्ड इन यूजर्स इंटरेक्टिव थ्रू द कीबोर्ड्स एंड मोनिटर्स। जो हम इनपुट के लिए वहाँ पर पंच कार्ड्स और आउटपुट के लिए प्रिंटआउट्स ले रहे थे, उसकी जगह यहाँ पर क्या हो गया, कीबोर्ड्स और मोनिटर्स का इन्वेंशन हुआ। तो कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट दिया गया, मॉनिटर्स के थ्रू हमें आउटपुट, और इन दोनों का इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जनरेशन यहाँ पे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन यहाँ पे हुआ। फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जनरेशन में आया था यूज़ में, विच अलाउज द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम एट अ सेंट्रल प्रोग्राम दैट मोनिटर द मेमोरी। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल टू मास ऑडियंस बिकॉज देवर स्मॉल एंड चीपर देन देयर प्रो रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से, 1971 से जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आया था। माइक्रो प्रोसेसर About the fourth generation computer, as thousands of integrated circuit were built on the single silicon chip, यानी कि single silicon chip पे thousand of ICs, जो third generation computer में हमारे integrated circuits थे जिनसे ही हमारी जो small size हो गई थी और काफ़ी speed बढ़ गई थी, तो उसी तरह के काफ़ी small circuits को मिला के एक silicon chip बनाई करें, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ में आने से क्या है, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई थी, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह डिज़ाइन होने लग गए थे जो एक बहुत ही सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड्स में काफ़ी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते थे। तो इस तरह की जो चिप्स वगैरह हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, वो फोर्थ जनरेशन में ही यूज़ होने लगी थी। द इंटेल 404 चिप डेवलप्ड इन द 1970 लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसी एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया। From the central processing unit and memory to input output device controls and on a single chip, CPU से लेके memory input output devices सभी एक single chip पे control होने लग गए। तो इससे क्या है, computer के size में काफ़ी variation आया और जो first generation, second generation, third generation के computers हैं उनसे palm top जैसे computers का आविष्कार हुआ। Fourth generation computers also saw the development of GUIs and the mouse handheld device, graphical user interface, mouse and handheld device, इस तरह के जो small computers हैं उनका भी आविष्कार हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वो किस तरह से जो इंटीग्रेटेड जो चिप बनी वो किस तरह से बनी, ये इस तरह की चिप बनी, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इतने छोटी सी चिप के ऊपर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एम्बेडेड किया गया और ये इस तरह की चिप बनाई गई। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी जो जनरेशन हमारे पास रहेगी वो कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो कंप्यूटर जनरेशंस का फ्यूचर है जिसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करना, यानी कि ह्यूमंस की, ह्यूमन बींग्स की तरह ही कंप्यूटर के अंदर वो बुद्धि डालना, उस बुद्धि का विकास करना जो ह्यूमन बींग्स के पास है, उस तरह से कंप्यूटर्स को एक तरीके से मनुष्य का रूप देना। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर स्टिल डेवलप थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंप्यूटर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अ रियलिटी। इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज है, पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंप्यूटर्स हेल्प टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अ रियलिटी। सुपर कंप्यूटर्स जो कि बहुत ही सारी कैलकुलेशन एक बार में परफॉर्म कर देते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, लाइक जैसे कि
सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और इस तरह की जो है वो सब सुपर कंप्यूटर्स ही करते हैं। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रेस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेजेस इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू डेवलप की गई कंप्यूटर्स के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन।